बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, बिकॉज नॉर्मली जितने भी गाने आपको रोज़मर्रा में रिलीज होते हैं आप देखते होंगे, तो उनसे कुछ हटके है बिकॉज इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक सॉन्ग एंड दे हैड मेड अ प्रॉपर सेट टू रिलीज दिस सॉन्ग एंड बहुत सारी मेहनत की उसके शूटिंग के सेट पर भी, लिटरली शूटिंग के सेट का वास्तु भी कराया गया शूटिंग के सेट पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखी गई एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज लेटर ऑन व्हेन दिस प्रोजेक्ट केम सो आई जॉइंट हैंड विद देम एज एन एसो और बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग। अनफॉर्चुनेटली मंदना इज नॉट कमिंग बिकॉज उनके अपने पर्सनल इश्यूज हैं and I'm okay with that even if she's not supporting the song, but I am very happy that the song well and people are liking the teaser ne already 1 million cross kar diye hain and I wish all the best to Mandana Karimi for whatever she has chosen to do henceforth and hum sab ne bahut khushi un tak pahunchi ki but didn't turn up and gana ko thode time pehle covid ke time pe hua tha to unka ye issue tha ki gana itna pehle hua hai fir main usko promote kyon karu, but mere hisab se ek artist ye समझना चाहिए जब उसके साथ प्रोजेक्ट के साथ इतने सारे लोग जुड़े होते हैं तो भी मजबूरियां समझनी चाहिए और प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए आपस में खड़े होना चाहिए। क्योंकि जब आपने एज एन एक्टर ये गाना चूज किया था करने लिए तो फिर आपको उस गाने का रिलीज चाहे पहले है चाहे लेट, को सपोर्ट करना चाहिए था। बाकी भूमि त्रिवेदी इज अमेजिंगर एंड अभी गरबा की वजह से इज लाइक नॉट वेल बट शी इज कमिंग विद अस एंड एवरीबडी एज प्रोजेक्ट आई एम बी हैप्पी दैट थैंक यू सर। एक मिनट सर, अभी इधर क्या है श्योर लुक योर थैंक यू। सो बेसिकली मेरे नाल जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बिकॉज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने सेट लगाया आप लोग पोस्टर में देख सकते हैं, सो इट्स अ लार्ज स्केल सेट जो कि हमने फिल्म सिटी में कंस्ट्रक्ट किया और आर्टिस्ट के साथ शूट किया। आप देखेंगे तो सेट भी जो लगाया इसका इट्स वेरी इंटरनेशनल लुक, द लुक एंड फील इज़ अमेजिंग। हमें इंडस्ट्री की बहुत सपोर्ट मिली, सो फ्रॉम द एडिटर मिस्टर राजेश पांडे, उन्होंने बाजीराव मस्तानी पद्मावत रामलीला वो एडिट किया और उन्हें गाना एडिट किया क्योंकि उनको हमारा विजन इतना अच्छा लगा एंड उनको ऑडियो बहुत अच्छा लगा। प्लस हमारे सिंगर हैं सैमी इसमें, ही इज़ अ वेरी गुड पॉप सेंसेशन आई वुड से। आप देखेंगे तो गाने में कोई भी इतना गुड लुकिंग सिंगर कम है, बॉडी बना रखी बंदे ने, सो ही इज़ सैमी। सो इट्स अ डिलाइट टू हैव सच काइंड ऑफ पीपल विद अमेजिंग वॉइस। देन ऑन टॉप ऑफ इट हमारे पास भूमि त्रिवेदी हैं जो जिसको कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, राम चाहे लीला चाहे राम, और अभी ढोलना रॉकी और रानी में उनका गाना आया, सो उन्होंने फीमेल वॉइस दी। एंड वेरी यूनिक थिंग अबाउट भूमि त्रिवेदी इज उन्होंने आज तक कभी भी रैप सिंगिंग नहीं की है इस गाने में, जब आप लोग सुनेंगे सो शी हैज़ डन रैप सिंगिंग, तो वो बात बोल रही है बट सुरों में बोल रही है क्योंकि वो सिंगर है, शी इज़ अ गुड प्लेबैक सिंगर। एंड प्लस म्यूजिक इज गिवन बाय सुमित बलेरी, ही इज़ अ वेरी गुड रिनाउंड बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने फुकरे 3, फुकरे 2, फुद्दू छतरी वाली इन सब में गाने दिए। तू मेरा भाई नहीं इज़ अ वेरी फेमस सॉन्ग, अभी सुनिधि चौहान का भी गाना आया था स्पेशल एडिशन कुड़ी। प्लस आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग, वी आर मॉन्क रिकॉर्ड्स हमारा म्यूजिक लेवल है, मैं खुद एक प्लेबैक सिंगर हूँ इंडस्ट्री में, तो तू मेरा भाई नहीं गाना मैंने गाया है, रफ्तार ने मेरे साथ रैप किया। अभी हमारा फुकरे 3 में गाना था अतरंगी किस्सा, सो इसलिए ये लेबल हम आर्टिस्ट ही चला रहे हैं, आई एम एन आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, तो हम लोगों ने इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उसी एंगल से रखी क्योंकि ये मासी गाना है, आप देखेंगे तो लोगों को पूरे वर्ल्ड में पसंद आएगा इस तरीके का गाना है। इसकी म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर जो सुमित ने दिया है, लिरिक्स, इसके विजुअल प्लस मार्केटिंग, ये इंडिया का पहला ऐसा गाना है जिसमें मोर देन 25 ब्रांड्स आर एसोसिएटेड। प्लस इस गाने की जर्नी में पेंटर्स की कहानी है, अगर आप देखेंगे तो ऑल पेंटिंग्स आर देयर, सो जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत पेंटर्स ने सपोर्ट किया हमें, तो हमें लगा हमें भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं, सो इसलिए हमने इस म्यूज़िक लॉन्च इवेंट को, पहला ऐसा इवेंट है इंडिया के अंदर जहाँ पे एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है जहाँ पे आर्टिस्ट को रियली सपोर्ट मिल रही है, सो इस गाने को बहुत ही स्पेशल हम लोगों ने बनाया। प्लस उसके बाद अब ऑडियंस इतना प्यार दे रही हैं, 1 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं टीज़र पे, गाना अभी 6 बजे रिलीज़ हुआ है, सो वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव इंडस्ट्री सपोर्ट, ब्रांड सपोर्ट, पेंटर्स सपोर्ट एंड नाउ ऑडियंस सपोर्ट, एंड अब आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें। या सो जब हम इस गाने को शूट कर रहे थे तो पेंटर्स ने पेंटिंग बना के दी, लाइक दिस पेंटिंग इट्स द कैरेक्टर इन द सॉन्ग, तो उस टाइम पे उन्होंने धोबी घाट में भी पेंटिंग्स बनाई थी जो आर्टिस्ट हैं, तो सिमिलरली उस टाइम पे
जब हमारे गाने में इतनी सारी पेंटिंग्स लगाई सब किया उन्होंने, तो हमें ये चीज़ रियलाइज हुई कि आगे इनके आर्ट एग्जीबिशन कम हो रहे हैं, इनको जानते कम लोग हैं, तो इस वजह से हमने इनको सपोर्ट देने के लिए इस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म को और आगे ले जाने के लिए, दैट्स व्हाई वी हैव सपोर्टेड. सो देखिए, मंदना मार्च तक शी वॉज वेरी एक्साइटेड. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो आई नहीं है. रादर गाना कोविड के दौरान शूट हुआ और उस टाइम पे उन्होंने बहुत बार बोला गाना रिलीज़ करो, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे जो पार्टनर्स हैं राजीव शाह जी एंड एंजेला एंड एवरीवन, बिकॉज इट्स अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, आप देख रहे हैं लार्जर देन लाइफ, एक मूवी के गाने की तरह रिलीज़ कर रहे हैं हमें, क्योंकि हम सब बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स एंड डायरेक्टर्स हैं. सो हम लोगों ने मन्ना को ये समझाया था कि इसको प्रॉपर स्केल करके बड़ा बना के करेंगे, हमें सपोर्ट चाहिए बहुत लोगों की. बट मैं रीज़न नहीं समझ में आया कि अब वो क्यों नहीं आ रही हैं यहाँ पे. उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी हमने देखा है, तो उन्होंने फोटोशूट तो अपना डाला हुआ है, बट वो कहती है मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी है, गॉड नोज, बट शी इज़ वेरी टैलेंटेड. उन्होंने गाने में बहुत अच्छा काम किया है, आप विजुअल्स देखेंगे तो शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड वाइब्रेंट. वो आप लोग उनसे ही पूछें कि वो क्यों नहीं आई, इवन वी डोंट नो, बट आई विश हर ऑल द बेस्ट, शी हैज़ डन अमेजिंग वर्क इन द सॉन्ग. ओके, सो ये गाना हमने 3 दिन में शूट किया फिल्म सिटी के अंदर. सो 2 दिन हमने सेट पे शूट किया, 1 दिन एक बंगलो पे शूट किया, वेरी लास्ट के जहाँ पे हमारी अधूरी कहानी का क्लाइमैक्स. सो दैट्स हाउ वी शॉट इट ऑन अ एरी एलेक्सा कैमरा विद अ वेरी लार्ज. सो बेसिकली एट विया मंक रिकॉर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये एक आर्टिस्ट का हम लोगों ने मिलके, मैंने और सुमित बलेरी ने, राजीव शाह जी और हम सब लोग ने मिलके, एंटरप्रेन्योर्स एंड आर्टिस्ट आर इन्वॉल्व. सो हम लोगों ने ऑलरेडी 4 गाने शूट कर लिए हैं, इसमें से बॉलीवुड के टॉप नेम्स इन्वॉल्व है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, और सारे इससे भी बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले हमारे, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हैं. नेक्स्ट गाना मेरा है जो मैं गा रहा हूँ, एंड वन ऑफ अ वेरी बिग आर्टिस्ट फ्रॉम पंजाब, शी इज़ इन्वॉल्व इन दैट. गाना ऑलरेडी शूट हो चुका है, जल्दी हम आप लोगों को दिखाएंगे, नेक्स्ट हम उसी रिलीज पे जाएंगे. सो आप लोग सपोर्ट करते रहे, एंड हम लोग बहुत बड़ा कंटेंट जो बॉलीवुड के साथ आई वुड से कि कंपैरिजन कर सकते हैं आप फिल्मों के साथ, इतने बड़े गाने हम ऑडियंस को देना चाहते हैं ऐसी कहानियों के थ्रू और ऐसे विजुअल्स के थ्रू, जिससे वो कनेक्ट कर पाएं अपने इमोशन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सामने How are you? Yeah. Huh? How are you? Madam, madam. हाँ ना भाई. हेलो. खोला खोला. थैंक यू. नाइस लुक. या. चलो अभी उधर चलो. नाउ लुक हियर. तेरे को मालूम तू दूसरा कर रहा है. मैं तो आपको देख के बस अब मेरे को नाम ले लिया मेरा. या लुक एट लुक एट. थैंक यू. चलो थैंक यू. इधर सर, इधर सेंटर. और महेश का फोन आया था क्या? हाँ, वो आज आने वाले थे. फिल्म सिटी वजह से ही मैं गुरप्रीत जी यहाँ पर. असलम सर, असलम सर, सर मैडम. दोनों तरफ देखो. थैंक यू. उसको किसी ने सुना दिया ना भाई, तो पेट में बोल दिया.
And just that one in the center, yeah. And just don't go there. Look here. Here. Thank you. Done. Thank you. Hello. Look center. Yes, sir. Thank you. Thank you. Wait. Nice bag. Thank you. Going. Wait. Hold on, one more. Thank you very much. Do it. लाइट तो चालू करो. पूनम जी आइए. पूनम जी आइए बैकड्रॉप पे आइए. क्या हाल चाल मैम? बढ़िया. लुकिंग वेरी नाइस. पूनम जी राइट. वेट. नाइस लुक. लुक सेंटर दिस कैमरा. पूनम जी राइट में देखो ना. हाँ बस इधर बैकड्रॉप. आवे लाइट मारा बैकड्रॉप पे. ब्लू. मैम को भी दिक्कत नहीं है. पूनम जी यहाँ पर. आई फील सेफ विद यू गाइस. बिल्कुल. पूनम जी यहाँ पर. हेलो पिंक लेडी. पूनम जी थैंक यू. पूनम जी देख रही हैं बोले है. यहाँ पर फोटो सर सर थोड़ा क्लोज भैया. राइट. पूनम जी किसका गेम अच्छा लग रहा है? मारूफ का. मुनावर. पूनम जी पीछे. क्या जा रहे हैं? बहुत आगे जाता भाई. आगे भी तो जा रहे लोग. कितना पास जाएगा? मुनावर को बेस्ट विशेष की जरूरत नहीं है मुझे लगता है. क्यों नहीं है? लेकिन क्यों नहीं है? क्या बात है? इतना विश्वास. अब देख बहुत विश्वास है. इतना विश्वास जगह दे उस पर.
थैंक यू। वेट वेट लुक यार, थैंक यू थैंक यू। I'm going to go to the right side of the screen.